नमस्कार दोस्तों, तो आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से एमएस ऑफिस की 2016 वर्ज़न जो है उसमें से आप पीडीएफ फाइल किस तरह से सेव कर सकते हैं या बना सकते हैं। एमएस ऑफिस के ही जो प्रोग्राम है उसी के अंदर ही ये फैसिलिटीज दिया होता है जिससे हम पीडीएफ फाइल बनाते हैं। सिंपल सा ट्रिक है, चलिए देखते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अपने घर परिवार के साथ घर पर ठीक है, स्वस्थ हैं। तो ये रहा एक्सेल की एक फ़ाइल है जो भी अभी किसी ने मेरे से बनवाया है, उसको मैंने मेल कर दिया है। तो ये फाइल को हम अभी पीडीएफ में सेव करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है प्रीव्यू में सेव करना। ये आपका प्रीव्यू में इस तरह दिखा रहा है, A4 साइज में है, ठीक है, कंप्लीटेड फाइल है। चलिए अब बताते हैं आपको किस तरह इसको पीडीएफ में सेव करेंगे। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जैसे हम फाइल जब सेव करते हैं, ठीक है, और सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल मेन्यू में जाते हैं। फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पर सेव एज, सेव एज करते हैं। तो यहाँ पर हम सेव एज लेंगे और यहाँ पर लोकेशन कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमको फाइल सेव करके रखना है। और यहाँ पर आपको मिलेगा सेव एज टाइप में पीडीएफ, ठीक है। और यहाँ पर नाम हम कुछ दे देते हैं, पीडीएफ फाइल सेव करके रखना। डेस्कटॉप पर इसका लोकेशन है और यहाँ पर एक है ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग, इसको बंद कर देते हैं ताकि फाइल अब पब्लिश होने के बाद ओपन ना हो, हम मैन्युअली ओपन करेंगे। तो ये पब्लिशिंग हो चुका है, पीडीएफ बन चुका है, चलिए देखते हैं कहाँ बना। ये देखिए यहाँ पीडीएफ बना, अभी इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करते ही ये प्रोग्राम पूछेगा किस प्रोग्राम में, एडोब रीडर में ओपन करना है, ऑलवेज कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर एडोब रीडर अभी भी इंस्टॉल किया है, तो ये कुछ सेटिंग मांगेंगे, एक्सेप्ट मांगेगा, तो उसको हम दे करके इसको आगे बढ़ जाएंगे और फिर इस फाइल को ओपन करने के इंतज़ार करेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये फाइल वीडियो को ओपन, अब इसको प्रिंट निकालिए, किसी को भेजिए, कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को एम एस ऑफिस की 2016, 19 या 13, इन तीनों वर्जन में ऑफिस ऑफिस के अंदर से ही आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लगा, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।